पेश करता हूँ। आज इस पूर्वकार तकरीब में मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत और बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस तकरीब का हिस्सा हूँ। लेकिन मेरा दिल बहुत उदास है, बहुत गमगीन है। उसकी वजह यह है कि मकबूजा कश्मीर में बसने वाले हमारे भाई इस तकरीब का हिस्सा नहीं है। काश वो भी इस तकरीब में पार्टिसिपेट करते, वो भी आज यहाँ होते और हम दुनिया को दिखाते कि पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर एक है, हमारे दिल और धड़कन उनके साथ है। सबसे पहले तो मैं इंतजामिया को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान आर्मी को और जो भी फ्रेंचाइज ओनर हैं, जो भी तरीके से भी जान है घर में सुखने इस पार्टिसिपेशन को कामयाब बना रहे हैं, उनको शुरू पेश करता हूँ। क्योंकि ये सब उन सब की मेहनत का नतीजा है। आरिफ मलिक ने जो ख्वाब देखा था 3 साल पहले, आज उसको पाए तकमील तक पहुँचाने में हज़ारों लोगों की कुर्बानियाँ हैं, दिन रात की मेहनत है। इसके अलावा मैं इंटरनेशनल प्लेयर साउथ अफ्रीका से आए हुए हर्ष गब्स को सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने इंडिया की गीदड़ भक्तियों को नज़रअंदाज करते हुए जहाँ पे तशरीफ़ लाए, उनको हर तरह की इज्जत अफजाई की जाएगी और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। और ये एक सबक है कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को एक एम्बेसडर के तौर पे यहाँ पे आए और उन्होंने साबित किया कि ये एक ऐसी जन्नत नज़ीर वादी है जहाँ पे पाकिस्तानी अपने आने वाले मौजूद मेहमानों की इज्जत और हिफाजत करना जानते हैं और उनको इज्जत और तकरीम देंगे। वो एक इंटरनेशनल एम्बेसडर बन के आए हैं और मेरी ख्वाहिश है कि अगले साल जब यहाँ पे टूर्नामेंट हो तो दुनिया भर के खिलाड़ी खुद फ्रेंचाइज ओनर से रिक्वेस्ट करें कि भाई हम आपकी फ्रेंचाइज में शामिल होना चाहते हैं, हम आपके साथ खेलना चाहते हैं और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। जिस तरह केपीएफ इंतजामिया को सोशल मीडिया पर थ्रेट का सामना करना पड़ा, एसआर ग्रुप को भी ऐसी परेशानी सामना करना पड़ा, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे हमारे किरदार कशी की गई, हमारे खिलाफ वीडियोज बनाई गई, सारा कुछ किया गया और हमें धमकियां दी गई, ये होगा वो होगा। मैंने कहा कि आप जो कर सकते हैं करें, जो हमसे हो सकेगा आज़ाद कश्मीर की आज़ादी के लिए एक छोटा सा कतरा है। मैं दियारागार में 3 साल रहा हूँ, मुझे पता है कि जो कश्मीरी वहाँ पे रहते हैं उनके लिए उनकी एफर्ट्स कितनी आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए। ये एक छोटी सी एफर्ट है, जहाँ कहीं पर भी आप बसते हो अपने इलाके में अपने दोस्तों को दिखाएं कि आज़ाद कश्मीर में कितना पुरअमन है और वहाँ पे किस तरीके की क्रिकेट खेली जा रही है और जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उनको भी आज़ादी का हक दिया जाए। इसके अलावा मैं आपको और जितनी भी इंतजामिया उनको बताता चलूँ कि एसआर जी हर तरह की खेलों के मैदानों में पाकिस्तान की चाहे वो किसी सूबे में हो उसको पार्टिसिपेट करने में सपोर्ट करता है। एसआर जी का नारा है कि जब हमारे खेलों के मैदान आबाद होंगे तो हमारे अस्पताल वीरान होंगे। और इसी की कड़ी में हम मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ शहरों में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं बात तो बहुत करना चाहता था लेकिन मुझे सख्ती से मना किया गया कि 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी। इस वजह से मैं अपनी बात इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि एसआरजी केपीएल खेलो आज़ादी से, खेलो बहादुरी से, खेलो दिलो जान से। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you very much, Sefer Rahman Khan Niazi Saab, and you fully made sure that you know that you're going to prove that you are the son of the soil, and inshallah in days to come we will definitely expect a lot more seasons of SRG KPL. But ladies and gentlemen, moving on, I think